नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आइए देखते हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबर एक नजर कोहराम झटपट। जयंती पर याद किए गए प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गवर्नर रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद अल्बर्ट एक्का को पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि, राज्यपाल बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया नमन। लोहरदगा में दिन दहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या, घर पर अकेली थी विवाहिता। जेपी नड्डा ने 5 और 6 दिसंबर को दिल्ली में बीजेपी की मेगा बैठक का किया ऐलान, सभी प्रमुख पदाधिकारी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के बकाया 811 करोड़ का होगा भुगतान, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया ऐलान। कमलदेव गिरी मर्डर केस के सीबीआई जांच की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे घर वाले, बोले नौकरी या पैसा नहीं, न्याय चाहिए। चक्रधरपुर में बारात से लौट रही दो बाइक की आपस में जोरदार टक्कर, एक की मौत, 3 गंभीर। हजारीबाग के बरकट्टा में पशु तस्कर धराया, 7 मवेशी सहित पिकअप वैन सब। नहीं रहे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जस्टिन केरकेट्टा, सिमडेगा में आया हार्ट अटैक। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस पर बोली मंत्री जोबा मांझी, सरकार दिव्यांग जनों के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर। हजारीबाग के कटकम सांडी में बीजेपी महिला कार्यकर्ता का रेड डाला गला, गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती। रोहतास में चलते ट्रेन से अलग हो गई दो बोगियां, कपलिंग टूटने से हुआ हादसा। 14 दिसंबर से वाराणसी से चलेगी साबरमती एक्सप्रेस, यात्रा को सही और सुगम बनाने को लेकर रेलवे का फैसला। सिवान जेल में पोस्टेड 3 पुलिसकर्मी डीएम के आदेश पर सस्पेंड, पुलिसकर्मियों की मसाज और कैदियों की ताश खेलने का वीडियो हुआ था वायरल। नालंदा में सीएम नीतीश के कार्यक्रम के दौरान बवाल, युवक की मौत पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। मोतिहारी की सब्जी मंडी में आग लगने से 5 दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। 12वीं पास से इंजीनियरिंग की डिग्री वालों के लिए इंडियन एयरफोर्स में 258 पदों पर होगी बहाली, 30 दिसंबर अप्लाई करने की लास्ट डे। झांसी में 5 साल पहले 15 साल की लड़की का किया गया था रेप, आज मिली 10 साल की सजा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की रैली से पहले बम ब्लास्ट, 2 की गई जान। बांग्लादेश में वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, कंधे में चोट की वजह से हुए टीम से बाहर। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।